बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड गॉसिप। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। आज हम फ़िश को फ्राई करेंगे। मैंने सैलमन फ़िश ली है, आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं। उसको बनाने का बिल्कुल सेम तरीका, आप यही अगर डायरेक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सैलमन फ़िश को मैंने कट कर लिया हुआ है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। हम इसको मैरिनेट करके एक घंटे के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं बेसन ले रही हूँ, थोड़ा सा ही मैं बेसन ले रही हूँ, अराउंड 1 टेबलस्पून ही है। साथ ही गरम मसाला है, लेस देन 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च है, ये ऐड करेंगे। साथ है सॉल्ट, क्योंकि फ़िश पहले ही सॉल्टी होती है थोड़ी, तो सॉल्ट थोड़ा कम ही मैं यूज़ कर रही हूँ। हम लेमन यूज़ कर रहे हैं, मैं लेमन को स्क्वीज़ कर लिया हुआ है पहले ही। आप लेमन की जगह विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इस सारे को ही मैं ऐड कर दूँगी। अभी इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसके अंदर विनीगर अभी यूज़। ओके, वन लास्ट थिंग बिफोर मैं फ़िश पे ये सारा लगाऊँ, मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ओके, बिल्कुल ठीक मिक्स हो गया ये सारा। अभी मैं फ़िश को सारी फिशेस को पीसेस को इसके अंदर रख देंगे, फिर 1 घंटा इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, एंड देन बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। कि अच्छे तरीके से मसाला लगे, आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैं इसको अभी 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे, एंड देन वी विल फ्राई इट। अभी ऑयल गर्म हो गया है, तो जो मेरी फिश है वो उसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। अभी मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा स्लो ही चूल्हा कर रही हूँ, बाद में हम तेज़ कर लेंगे। तोते तोते